दवा बेचकर मुनाफा कमाने वाले इन लोगों से सिर्फ मरीज ही नहीं, कुछ डॉक्टर्स भी त्रस्त हैं जिनका जमीर अभी जिंदा है, जो कैमरे के पीछे ये मानते हैं कि कॉरपोरेट घरानों के अस्पताल मरीज के जख्म पर मरहम कम लगाते हैं, नमक ज्यादा छिड़कते हैं। देखिए, धर्मशिला कैंसर अस्पताल के एक डॉक्टर खुफिया कैमरे में इस बात को कबूल कर रहे हैं कि डॉक्टर कॉरपोरेट्स के गुलाम बनकर रह चुके हैं। डॉक्टरों के इस खेल का समय ने खुलासा एक स्टिंग कैमरे के जरिए किया। कैंसर से जूझ रहे और पेशे से डॉक्टर अरुण कुमार और धर्मशिला के डॉक्टर डेनी गुप्ता, जो ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा इस गोरख धंधे के सच को सामने लाता है। अच्छा नहीं है सर, इतना लूटना ठीक नहीं है। कहाँ से पैसा आ रहा है? कल को धर्मशिला भी खरीद लेगा, कुछ भी हो सकता है। सही बात है, बस पुष्पांजलि को तो खरीद ही लिया ना। वो खरीद लिया, साकेत सिटी सेंटर हॉस्पिटल है वो भी खरीद लिया, ये सारे खरीदता जा रहा है। मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं किसी का। मतलब आज सर आप किसी को अलाउ भी कर दे रहे दवा के लिए, जब मैक्स आ जाएगा डॉक्टर को इलाज में जब 7.5 लाख लूट कर रहा है तो हम सब लेके और कितना लूटता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ लो आटे में नमक होता है, आप थोड़ा सा ज्यादा ले लो जी, 15% ले लो, 20% ले लो, 25% ले लो। यही जगह वाला आदम जैसे कसाई से लूटता है वैसे लूटता है। और डॉक्टर्स को एम्प्लॉय को ऐसा बना के रख दिया है कि जाओ कहाँ जाओ, बंधुआ गुलाम बना दिया है। सही कह रहे हो, आप कुछ कर भी नहीं सकते कि ये लोगों को शेयर दिया जाए, इनकम में साल भर का जो होता है। मतलब जो सर दिया जाता है, दवा दिया जाता है सबको, सारे पेशेंट को अलाउ किया जाता है कि मतलब किसी को आप करते हैं? ऐसे ना ऑफिशियली धर्मशिला भी मना करता है। अच्छा, ऑफिशियली दे आल्सो से कि हम बाहर की दवाई अलाउ नहीं करेंगे, ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अच्छा अच्छा, स्पेशल जो कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिसको डॉक्टर कह रहा है। अच्छा, ऐसा भी है जो बहुत गरीब पेशेंट आ गए या ऐसे कुछ फाइनेंशियली ठीक है, धर्मशिला जो है तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा दवाई के ऊपर 10% डिस्काउंट देता है। बहुत बढ़िया काम कर रहे सर ना, कई बार 15 भी दे देता है, पर बाहर तो वो दवाई 50% डिस्काउंट में मिल रही है। ये भी है, मुझे पता है 40% धर्मशिला खा रहा।